بسم الله الرحمن الرحيم मैंने खुद सुना, मैं मौजूद था वहां मस्जिद नबी में, सरकारे दो आलम मौजूद थे उस रात। आधी रात का वक्त है, जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं यारो। आधी रात जिब्राइल अमीन का आना, ये कमाल का मानी तेज है। आधी रात का वक्त है, जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं। सद्दल अबवा बल इला बाबुल अली, सरकार मस्जिद नबी के सारे दरवाजे जो इद्दगिर्द से मस्जिद नबी की तरफ खुलते थे, अल्लाह का हुक्म आया है सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अली का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, अली का दरवाजा खुला। ये एक फजीलत ऐसी है, कहते हैं कि जब अली का दरवाजा ही मस्जिद में खुलता है तो हर सूरत में, जनाबत की सूरत में वुजू करने के लिए और तहारत और इस्तिंजा करने के लिए अली ने मस्जिद में से ही गुजरना है। सुभान अल्लाह। बादशाह ही लेते हैं कि मरूर जायज है, मरूर इधर से आए उस दरवाजे से निकल गए अगर जनाबत की हालत में है अब। लेकिन इब्ने कुल्दून लिखता है कोई मरूर मरूर नहीं है, मस्जिद नबी की शान ही इतनी है कि मस्जिद नबी में बगैर वुजू के जाया ही नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो फौकियत हासिल है ये अली अलैहि सलाम को हासिल है, अली अलैहि सलाम को हासिल है। ये वो शख्सियत है जिसको अलैहि सलाम कहना भी जायज है, रज़ी अल्लाह कहना भी जायज है, करम अल्लाह वजहुल करीम कहना भी जायज है। ये सारे अलकाबात में से जो इमाम सुयूती ने लिखा है वो कहते हैं जब जब जहां जहां अली का नाम आए अलैहि सलाम कह दिया। सुभान अल्लाह।